गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। तो गाइस ये है ASUS VivoBook 15X1502ZA मॉडल सीरीज का ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप का मैं करने वाला हूँ आज अनबॉक्सिंग और इसके फुल स्पेसिफिकेशन फीचर रिव्यू आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इन डब्ल्यू वीडियोज़ आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉस और कॉन्स देखने को मिलेगा और क्या ये जो कि इस प्राइस रेंज में जो इसका प्राइस है उस प्राइस रेंज में क्या ये जो कि लैपटॉप जो कि वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं होगा और इसका एग्जैक्टली प्राइस क्या है वो जो कि मैं आपको इन डब्ल्यू वीडियो ज़रूर आपको बताऊंगा। तो मेरे उसके एंड तक बने रहेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं वीडियोज़ और इसमें आपको पूरी इस लैपटॉप की जानकारी आपको बताया जाएंगे ताकि आपको इस लैपटॉप को बाय करते समय कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास ना रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस लैपटॉप को करते हैं अनबॉक्सिंग और इसके फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू को आपके साथ शेयर करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले इस लैपटॉप के डिस्प्ले फीचर की बात करें तो इसमें जो डिस्प्ले है वो जो कि 15.6 इंचेस का FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो जो कि 90x1080 pixels रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और इसमें जो ब्राइटनेस आपको मिलेगा वो जो कि 220 निट्स का ब्राइटनेस मिलेगा। तो इस लैपटॉप को अगर आप आउटडोर में भी यूज़ करते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आपको 220 निट्स का ब्राइटनेस मिल जा रहा है और जो कि यहाँ पे एंटी ग्लेयर सपोर्टेड मिला है। तो अगर आप सनलाइट में भी यूज़ करते हैं आउटडोर में जा करके तो आपको जो डिस्प्ले है वो जो कि क्लियर आपको दिखाई देगा तो आपको लैपटॉप यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो ये जो कि हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिल पाएगा क्योंकि इस तरह का डिस्प्ले जो कि आपको जब 40,000 के लैपटॉप भी लेंगे ना 30,000 के लैपटॉप लेंगे ना तो उस लैपटॉप में भी ये इस प्रकार का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। तो जो इसका प्राइस है ना उस प्राइस रेंज पे ये डिस्प्ले दे रहा है तो ये जो कि हम कह सकते हैं एक नॉर्मल डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है जो कि मुझे 30 से 40,000 के लैपटॉप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार का डिस्प्ले सेम टू डिस्प्ले हमको 40,000 लैपटॉप को लेने जाएंगे या फिर 30,000 के लैपटॉप लेने जाएंगे तो वहाँ पे हमको देखने को मिल पाएगा। तो इसके डिस्प्ले में कोई भी जो कि सुधार वाली बात नहीं कह सकते, जो डिस्प्ले हमको 40,000 के लैपटॉप में मिलते हैं वही डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है। तो एक हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सा डिस्प्ले मिल रहा है, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि इस प्राइस रेंज में हम ले रहे हैं तो कैसे हम बेस्ट कह सकते हैं। अगर हम प्राइस रेंज में 40,000 के रेंज में लेते हैं तो कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले है, लेकिन जो 40,000 के लैपटॉप में हमको यही डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे भी इस प्राइस रेंज पे एक्सपेंसिव प्राइस है और इस रेंज में भी यही डिस्प्ले मिला तो एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कौन सा है क्योंकि इसमें आपको एक डिसेंट सा जो कि आपको डिस्प्ले मिल सकता है। देख चुके इसमें बात की जाए कीवर्ड फीचर की तो यहाँ पे जो इसका कीवर्ड है वो जो कि नॉन बैकलिट चिकलेट कीवर्ड है विथ 1.4 mm नॉम की ट्रेबल के साथ और साथ ही साथ इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो अगर आप 40,000 के लैपटॉप भी लेंगे अगर आप ASUS का तो वहाँ पे भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं और नॉन बैकलिट चिकलेट कीवर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड के मामले में कुछ यहाँ पे सुधार नहीं किए गए, जो कीवर्ड फीचर आपको देखने को मिलता है 30 से 40,000 के लैपटॉप में जो आप लेंगे ASUS के 40,000 के लैपटॉप अगर देखेंगे उस 35-40,000 के लैपटॉप में जो आपको कीवर्ड मिलते हैं वही कीवर्ड सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। डिस्प्ले और कीवर्ड के मामले में यहाँ पर सेम ही दिया गया तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा यहाँ पर सुधार वाली बात नहीं है। बाकी हम बात करें नेक्स्ट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के तो यहाँ पर भी आपको विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, देख सकते हैं फिर से यहाँ पर भी वही सेम टू सेम यहाँ पर प्रोवाइड किया स्टिल यहाँ पर विंडोज़ प्री लोडेड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ विंडोज़ 11 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो MS ऑफिस है वो जो कि लेटेस्ट वाला है स्टूडेंट 2021 का तो ये हम कह सकते हैं एक है ठीक ठाक यानी स्टूडेंट 2000 लेटेस्ट वाला है तो एक चीज़ जो कि हमको लगा कि हाँ एक लेटेस्ट दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें इसमें प्रोसेसर की तो इसमें जो प्रोसेसर है वो जो कि इंटेल कोर i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर है विथ 1.7 GHz की स्पीड के साथ और इसमें जो कि आपको 12 कोर्स मिलेगा और 16 थ्रेड्स मिलेगा। तो इसका जो प्रोसेसर है ना वो काफ़ी धासु लेवल का प्रोसेसर है तो शायद प्रोसेसर के हिसाब से ही इसका प्राइस जो है वो काफ़ी हाई लेवल किया गया। नेक्स्ट हम बात करें रैम की तो रैम भी सही दिया गया 8 GB का DDR4 का रैम है, ये भी कह सकते हैं बेस्ट रैम दिया गया और स्टोरेज भी 512 GB का NVMe M.2 SSD यहाँ पर भी आपको जो कि SSD स्टोरेज मिल रहा है 512 GB का तो ये भी एक स्टोरेज काफ़ी गजब पे कह सकते हैं। तो रैम स्टोरेज प्रोसेसर MS ऑफिस ये जो कि धासु लेवल का यानी वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आपको दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें ग्राफिक्स के तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड आईरिस एक्स ई ग्राफिक्स मिला तो ये ग्राफिक्स भी सही आपको ग्राफिक्स यहाँ पे प्रोवाइड करा है, आईरिस का ग्राफिक्स है जो कि आपको गेमिंग लेवल को थोड़ा हाई परफॉर्म कर देगा, स्मूथ आपको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको अप टू 6 to 7 hours का यहाँ पे बैटरी लाइफ मिल जाएगा विथ 42 hours के 3 cells बैटरी के साथ तो इसमें आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि हाँ अगर 7 घंटा भी देते थे
तो यहाँ पे बेस्ट हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 6 से 7 आवर्स का यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल पाएगा। और कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 8 घंटा तक बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आपको 8 घंटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ASUS का लैपटॉप को यूज़ किया है, तो इसमें आपको 6 से 7 घंटा इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। नहीं तो ASUS का नॉर्मल लैपटॉप लेंगे तो उसमें जो कि आपको एब्सोल्युटली 5 to 6 आवर्स आपको देखने को मिल जाते बैटरी बैकअप, तो इस लैपटॉप के अंदर में आपको 6 से 7 घंटा जो कि एब्सोल्युटली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बैटरी बैकअप। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं बैटरी बैकअप एक डिसेंट है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बैटरी बैकअप है। 6 से 7 घंटा भी हम नॉर्मल नहीं कह सकते, एक एडवांटेज हम कह सकते हैं कि इस पर डिस्प्ले बैटरीज है वो सही मिल रहा है। नेक्स्ट जो की बात की जाए वेबकैम के, तो यहाँ पे भी आपको 720 पिक्सल्स का HD वेबकैम है विद प्राइवेसी शटर के साथ। एक प्राइवेसी शटर इस बार दिया गया है, जो कि एक आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स में प्राइवेसी शटर दिया रहा है, जो कि एक फिजिकल प्राइवेसी सेंटर रहना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वाली बात हो सकती है, क्योंकि बाई चांस अगर आपका लैपटॉप हैक हो जाता है तो अगर प्राइवेसी सेंटर ऑफ रह गया तो कोई भी आपके लैपटॉप की मदद से कोई आपको फोटोज़ वगैरह को खींच नहीं पाएगा। तो एक प्राइवेसी सेंटर का बहुत अच्छा यूज़ होता है, और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो प्राइवेसी सेंटर की मदद से अपने कैमरा को भी बंद कर सकते हैं। तो एक फिजिकल चीज़ है, तो वो जबकि एक हैकिंग वाली बात नहीं आएंगे आपके कैमरे की मदद से। तो एक अच्छा है कि प्राइवेसी सेंटर के साथ 720 HD पिक्सल्स का यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा, और ये लेवल का कैमरा जो कि आपको बहुत सारे लैपटॉप्स में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कैमरा भी हम कह सकते हैं ठीक ठाक कैमरा है। इसमें आपको अगर 1080 पिक्सल्स का देता तो एक अच्छा लेवल का कह सकते थे, बाकी यहाँ पे दिया है कंपनी तो हम कह सकते हैं कि ठीक ही ठाक है। वैसे भी हम कैमरा का ज़्यादा यूज़ नहीं करते लैपटॉप में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैमरा जो है वो काफ़ी ठीक है लैपटॉप में। 720 HD पिक्सल्स का यहाँ पे कैमरा दिया गया। बाकी बात करें हम यहाँ पे इस लैपटॉप का वेट की, तो यहाँ पे जो इसका लैपटॉप जो इस लैपटॉप का वेट है वो जो कि 1.7 kg का यहाँ पे आपको वेट देखने को मिलेगा। और इसके हम बात करें पोर्ट्स एंड स्लॉट फीचर की, तो इसमें आपको सभी तरह के ऑल नेसेसरी पोर्ट्स एंड स्लॉट्स फीचर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसमें आपको कार्ड रीडर स्लॉट का ऑप्शन मिल जाए, तो इसमें आपको कार्ड रीडर स्लॉट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको मिस किया गया, कार्ड रीडर स्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइप सी टाइप ए HDMI पोर्ट ये सब चीज़ें खोजेंगे तो ऑल नेसेसरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन फीचर एडवांटेज चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें इस लैपटॉप के प्रोज और कॉन्स के, तो इसमें जो प्रोज है उसे के बहुत सारे प्रोज देखने को मिल पाएंगे, लेकिन हम कुछ यहाँ पे हाईलाइट प्रोज की आपको बात करें तो यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी एक्सीलेंट लेवल का है, यानी कोर i5 का 12 जनरेशन का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है, जिसमें आपको 12 कोर और 16 थ्रेड्स मिला है, जो काफ़ी एक धांसू लेवल का प्रोसेसर दे रहा है। और इसमें जो MS ऑफिस है वो जो कि प्री इंस्टॉल 2021 लेटेस्ट वाला MS ऑफिस है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिले, तो वह जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ASUS के हर एक लैपटॉप पे आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे लुक्स और डिज़ाइंस भी वह काफ़ी प्रोफेशनल बना है, तो यहाँ पे लुक्स और डिज़ाइन जो कि है यह काफ़ी धांसू लेवल का है, और प्रोसेसर भी काफ़ी धांसू लेवल का है, रैम स्टोरेज भी यहाँ पे सही दिया गया। तो ये जो कि हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ यहाँ पे प्रॉस देखने को मिल जाएगा। लेकिन कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स में यहाँ पे कम नहीं है, कॉन्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला कि है कॉन्स ये है कि आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो एज़ कम्पेयर टू 40K के लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। जो आपको 40,000 के लैपटॉप मिलते वही सेम टू सेम फीचर वगैरह आपको यहाँ पे जो कि इस लैपटॉप से मिल जाएगा, जो कि आपको 60,000 के रेंज में पड़ रहा है ये लैपटॉप। तो इस प्राइस रेंज पे आपको इस तरह का लैपटॉप मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल सा लैपटॉप हम नॉर्मल डिस्प्ले का लैपटॉप हम कह सकते हैं। और ये जो कि लैपटॉप है वो एक नहीं कह सकते कि प्रोफेशनल लैपटॉप है और ना ही एक गेमिंग के लिए लैपटॉप है। और ये जो लैपटॉप है वो एवरीडे यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकते हैं, और स्टूडेंट है तो सही है लैपटॉप आपके लिए हो सकते हैं, और ऑफिस वर्क के लिए सही है लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन जो इस लैपटॉप का प्राइस है वो जो कि 60,000 अप्रोक्स पड़ता है, तो इस प्राइस रेंज पे ये जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस है, और इस प्राइस रेंज पे ये सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है जो चीज़ें हमको मिलना चाहिए इस प्राइस रेंज पे। क्योंकि जो हमको मिल रहा है वो चीज़ें कि हमको वह चीज़ें हमको 40,000 के लैपटॉप में मिल जा रहा है, तो हम इस लैपटॉप को लेंगे, इससे अच्छा हम 40,000 के लैपटॉप को क्यों ना लेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमको उस लैपटॉप से आराम से मिल जाएंगे। बस इसमें जो एक चीज़ है कि इसमें आपको प्रोसेसर सही दिया, एक प्रोसेसर के नाम पर ही, और एक थोड़ा सा लुक्स डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया गया। बाकी और भी लैपटॉप्स में ASUS के देखेंगे तो लुक्स डिज़ाइन सब चीज़ आपको ठीक ही मिलेगा, लेकिन इसका जो लुक्स और डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ पे यहाँ पे पैसा काट रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है और कोर i5 का प्रोसेसर है, तो इसी प्रोसेसर को लेकर के यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी हाई प्राइस किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि इस प्राइस रेंज पे ये जो कि लैपटॉप मुझे
कहना है कि ये जो कि वेस्ट ऑफ मनी होगा, अगर आप ये लैपटॉप को लेते हैं इस प्राइस रेंज पे तो वेस्ट ऑफ मनी आपका साथ जा सकता है। तो अगर आप अपने पैसे को वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको सिर्फ एक प्रोसेसर ही 1500 लेवल का दिया गया है और रैम स्टोरेज तो आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। 40 का लैपटॉप में जाएंगे तो आपको 8 GB रैम 512 GB SSD मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम हम कहा जाए तो 40,000 के लैपटॉप को लेंगे, उसी लैपटॉप को अगर आप 60,000 के लैपटॉप में ले रहे हैं तो कोई फ़र्क वाली बात यहाँ पर नहीं आ रहा है। बस यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो सही आपको देखने को मिल पाएगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम टू सेम 40,000 के लैपटॉप की तरह आपको देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 40,000 के लैपटॉप में जो फीचर थे वही फीचर यहाँ पे चिपका दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पे बस एक जो कि प्रोसेसर था उसको बढ़ा दिया गया और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई कर दिया गया, 60,000 के अप्रोक्स कर दिया, जो कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस किया गया और इस प्राइस रेंज पे जो कि वैल्यू फॉर मनी ये लैपटॉप नहीं है। और ये जो लैपटॉप रहता अगर 45,000-50,000 के रेंज तक भी रहता तो अगर 50,000 तक के भी रहता तो काफ़ी हम गजब काम कह सकते थे और इसको वैल्यू फॉर मनी कह सकते। तो गाइस मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, इस लैपटॉप के जो भी स्पेसिफिकेशन फीचर थे वो मैंने आपको बताया, जो प्रोस कॉन्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया और रियलिटी यहाँ पे आपको मैंने रिव्यू बताया कि इस लैपटॉप में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल पाएगा। लेकिन फिर भी इस लैपटॉप के साथ आप जाना चाहते हो, वेस्ट ऑफ मनी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल ये लैपटॉप नहीं है। लेकिन अगर वाकई में इस प्राइस रेंज पे कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं दूसरे लैपटॉप की आप तरफ खोजें जो कि वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं, या फिर अगर सर्च करें कि 160,000 लैपटॉप बाय TGS तो मेरे द्वारा आपको लैपटॉप का जैसे बहुत सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे जो कि आपको 16,000 के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप को प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेबिटी के साथ। लेकिन फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन रहा हो, कोई भी रिगार्डिंग हो इस लैपटॉप के साथ या फिर कोई लैपटॉप के साथ रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको इमीडिएटली देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेबिटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।